नेमावर एक धार्मिक स्थल है। यहाँ 12 महीने ही श्रद्धालुओं का आना जाना बना रहता है, लेकिन पर्व विशेष पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और माँ नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाकर पूजन अर्चन करते हैं। पौष अमावस्या महापर्व पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का नेमावर में माँ नर्मदा तट पर पहुँचना प्रारंभ हो गया था। शीतलहर भी श्रद्धालुओं की आस्था को नहीं डिगा पाई। लगभग 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने माँ नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाकर सिद्धनाथ महादेव का जलाभिषेक कर क्षेत्र में सुख समृद्धि की मंगल कामना की। नेमावर के प्रसिद्ध विद्वान पंडित गोपाल कृष्ण व्यास के मुताबिक पौष अमावस्या महापर्व पर जीवनदायिनी माँ नर्मदा में स्नान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही पितरों का तर्पण करने का विशेष महत्व माना जाता है। पुलिस ने इस अवसर पर माकूल इंतजाम किए थे। SDOP ज्योति उमट ने भी धार्मिक पर्व पर अपनी नजर बनाए रखी थी। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। हजारों की संख्या में श्रद्धालु माँ नर्मदा के तट पहुँच रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन की क्या व्यवस्था है? पुलिस प्रशासन आज अमावस्या पर स्नान पर्व होने के कारण नेमावर घाट पर समुचित पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। इसके लिए पूरे जिले से पुलिस फोर्स बुलाया गया है। यातायात सुचारू रूप से संचालन के लिए यातायात का बल यहाँ पर लगा हुआ है। इसके साथ ही जल के अंदर आम पब्लिक की सुरक्षा के लिए होमगार्ड का बल भी लगाया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी हानि को रोका जा सके। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय देवास, श्रीमान श्री सूर्यकांत शर्मा सर के आदेश और निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस यहाँ पूरी जनमानस की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए